हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में चेहरा नहीं दिख रहा है फ्रेंड्स। अरे मैं आपको दिखा देता हूँ यार, तो आप देख सकते हैं गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही तगड़ा वाला ये वाला लाइट बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ यारी। फ्रेंड्स यारी, आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से आप साइन अप कर लीजिएगा अपने फ़ोन नंबर से, और यहाँ से आप 9.99 रुपीज़ में बहुत ही मस्त प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं फ्री डिलीवरी के साथ। फ्रेंड्स, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है यारी, यारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और सारा वीडियो को आप देख कर ही यहाँ से जाइएगा। तो गाइस, आप देख यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कुछ पीवीसी के पाइप कट कर लिया हूँ, और मैं आपको सारा डिटेल बताऊँगा कितना कितना सेंटीमीटर का कट किया हूँ। तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। मैं आपको अभी नाप कर दिखा देता हूँ कितना कितना डायमेंशन का मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप गाइस देख सकते हो 6.5 सेंटीमीटर यहाँ पर मैं इसकी लंबाई ले रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैंने पतले पतले छोटे छोटे इसके पाइप कट के पीवीसी पाइप के कट कर लिया हूँ, 1 इंच का है, इसे साइड साइड में पट्टी लगाने के लिए। तो आप अपने हिसाब से भी ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे जितना मैं ले रहा हूँ उतना ही आप लो। आप अपने हिसाब से भी इसको डायमेंशन रख सकते हो। तो यहाँ पर हैप्पी क्विक की मदद से आप यहाँ से इसे बॉक्स बना लेना है। तो मैं इसे फटाफट से बॉक्स बना लेता हूँ, और फ्रेंड्स ध्यान से फैब्रिक चिपकाइएगा, क्योंकि अपने हाथ पे मत लग जाए, क्योंकि मैं इसे चिपका रहा था तो बार बार मेरे हाथ पे लग जा रहा था। ठीक है, तो आप ध्यान से थोड़ा चिपकाइएगा इसे, क्योंकि ये पकड़ लेता है तो जल्दी छोड़ता भी नहीं है। तो फटाफट से इसके मैं सारा बॉक्स बना लेता हूँ आप माचिस की डिबिया जैसे। तो आप देख सकते हैं माचिस की डिब्बा जैसे एक बॉक्स बना दिया हूँ, जो बहुत ही तगड़ा हो गया। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, आपको रेगमाल पेपर या रेती की मदद से इसे आपको रब कर देना है। तो आप वीडियो को थोड़ा हिल डुल सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि जिस पर वीडियो बना रहा हूँ उसी पर ये रगड़ भी रहा हूँ, मतलब सैंड पेपर से घिस रहा हूँ, स्मूथ कर रहा हूँ इस डिब्बे को। उसके बाद आपको क्या करना है, सारा इसके बाद प्लेन कर लेना है, और थोड़ा बहुत निकल जाए तो कोई बात नहीं, मेरा भी ऐसे मैंने बिल्कुल साफ से रेगमाल पेपर से नहीं सैंड किया है, थोड़ा बहुत छूट जाए तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, उतना चल सकता है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर एक पाइप लिया हूँ 1 इंची का, उसमें आपको डायमेंशन दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं इसका डायमेंशन 9 सेंटीमीटर है। तो आप अपने अपने हिसाब से पकड़ने के हिसाब से अपना रख सकते हैं कितना पकड़ सकते हैं। उसके बाद आपको फैबकी की मदद से चिपका देना है। या आपके पास दूसरा कोई हार्ड फैपिकोल हो तो उससे आप चिपका सकते हैं। ग्लूगन का यूज मत कीजिएगा इसमें, ग्लूगन इस पर काम नहीं करेगा, टूट जाएगा। उसके बाद हम क्या करना है, बहुत ही तगड़ा वाला चीज़ मैं आपको एक जुगाड़ बता देता हूँ। मान लीजिए आपको इसे कहीं होल्ड करना है, तो आप क्या कर रहे हैं, ये देख सकते हैं एलईडी बल्ब का एक छोटा सा पैनल होता है ऊपर का, उसको क्या करना है लेना है और इसमें आपको फिट कर देना है और ज़मीन पर आप रख देना है, इसलिए आपका स्टैंड हो जाएगा। तो मैं स्टैंड यहाँ पर नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि इसने लेकर कहीं लेकर जाना हो तो ये काम कर सकते हैं। और इसके 2 पीसेस कट कर लिया है फ्रेंड्स, लास्ट में आपको बताऊँगा इसका क्या काम है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिएगा। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, आपको ये बल्ब लेना है एलईडी, ये आपको 15-20 रुपये में लोकल मार्केट में मिल जाएगा, मुझे तो फ्रेंड्स 20 रुपये में पड़ा है, आपके यहाँ ऊपर नीचे भी हो सकता है। यहाँ पर एक लिथियम आयन बैटरी है, और फ्रेंड्स ये मोबाइल का बैटरी होता है उसका किट है, वही निकाल कर मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। उसके बाद क्या करना है, एक स्विच लेना है, आप कोई स्विच भी SPST टोकन या पुश स्विच, कोई भी स्विच आप इसमें यूज कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है आप कौन सा स्विच यूज करना चाहते हैं, आप कोई भी स्विच यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करना है, ये बैटरी है ना, उसमें आपको 1 इंच वाला पाइप है उसमें आ जाना चाहिए, ऐसा बैटरी आपको लेना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरा बहुत ही आसानी से इसमें बैटरी आ जा रहा है, और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए यहाँ पर फीमेल जेक यूज कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं इस फीमेल जेक को आपको 4 या 3 रुपये में आपको लोकल मार्केट में इजीली मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप इंस्टाग्राम पर कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं किसी ऑनलाइन का लिंक भेज दूंगा, वहाँ से आप जाकर परचेस कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, सारा कनेक्शन कर लिया हूँ फ्रेंड्स, कनेक्शन ही बहुत ईजी है फ्रेंड्स, कनेक्शन करना बच्चों का खेल है। तो आप देख सकते हैं
हमारा माइनस माइनस और प्लस है। यहाँ पर मैं जो फीमेल जैक है ना उसका माइनस ले आकर बैटरी में जोड़ दिया हूँ और प्लस ले आकर बैटरी में जोड़ दिया हूँ, और दो प्लस और माइनस निकाल दिया हूँ एलईडी के लिए। इतना तो आप कनेक्शन कर ही सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर एक छोटा सा होल किया था, यहाँ से आपको इसे निकाल देना है। तो आप नहीं निकल रहे तो किसी भी चीज़ से आप खींच भी सकते हैं, इससे मतलब निकल जाएगा। उसके बाद इसलिए आप इसमें लगा लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर दोनों वायर निकाल लिया है, और एकदम बिल्कुल बारीकी से हम इस बैटरी को अंदर लगा देंगे। देखिएगा आपका वायर वायर अच्छे से सोल्ड कर दीजिएगा, मैंने अच्छे से सोल्ड कर दिया है। उसके बाद इसे अंदर डाल देंगे, फिट कर देंगे। उसके बाद जो हमारा फीमेल जैक था उसे हम फेविकोल के द्वारा चिपका देंगे। इसमें आप ग्लू गन का यूज मत कीजिए, फेविकोल का यूज कर सकते हैं इसमें। उसके बाद क्या कर रहे हैं देख सकते हैं, फीमेल जैक है उससे भी आपको अच्छी तरह से इसमें, मैं आपको लाइट वायर के भी दिखा देता हूँ अच्छे से। इसे वायर को अंदर डालकर और आपको इसे चिपका देना है फेविकोल के या बीगा क्यूब की मदद से, आपको अच्छे से चिपका देना है। चिपकाना ही बहुत मस्त है फ्रेंड्स, पहले आप अच्छे से चिपकाइएगा बिना कंजूसी किए। आप थोड़ा से फेविकोल लगाएंगे या फेविक्विक तो आपका चुपना वर्क अच्छा से नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं इसे मैंने अच्छी तरह से चिपका भी लिया है और दो वायर भी निकल चुका है। अब क्या करना है, स्विच और एलईडी का कनेक्शन कर देना है। तो क्या करना है, प्लस वाला डायरेक्ट आपको ले जाकर, प्लस या माइनस वाला कोई भी डायरेक्ट आपको ले जाकर एक वायर आपको एलईडी में कनेक्ट कर देना है, और एक स्विच से देकर आपको एलईडी में कनेक्ट कर देना है। बस इतना सिंपल सी काम है, उसके बाद कर लेना है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ग्लू गन की मदद से मैंने इसे चिपका भी लिया है, और यहाँ पर बहुत धीमा जल रहा है क्योंकि चार्ज नहीं है। तो मैं इसे चार्ज कर लूँगा, उसके बाद मैं आपको टेस्टिंग के लिए भी ले जाऊँगा। और इतना मजबूत बना है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत ही तगड़ा बन गया है। आप इसे कहीं भी अपने मदद से ले जा सकते हैं। आप इसे चाहें तो आप रात या मॉर्निंग या नाइट में भी कहीं भी ले जा सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा टेस्टिंग करवा देता हूँ, उसे मैं आपको मैं दिखाऊँगा, अलग से भी टेस्ट करवाऊँगा। तो आप देख सकते हैं, और जो मैंने एक पीस कट किया था उसका काम है क्या फ्रेंड्स, मैं आपको इस दिखा देता हूँ। उसे करना कि आपको फेविक्विक लेना है या आप किसी भी चीज़ से यहाँ पर होल्ड कर देना, बस आपको थोड़ा बस चिपका देना है कि आपका बस यहाँ पर अटका रहा है, मतलब इस पर ठीक। अगर नाइट में सो रहे हैं फ्रेंड्स और आप ज़्यादा अंधेरा है तो आपको क्या करना है, इसे बार कर छोड़ देना है। तो ऐसे बारने से क्या होगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही धीमा जलेगा और आपके मालूम भी नहीं चलेगा कि आपके घर में कोई एलईडी वगैरह चल रहा है। और उसके बाद आप यहाँ से उस ऊपर का कैप को हटा दीजिएगा, और ज़्यादा रोशनी पाना है तो ले सकते हैं। और देख सकते हैं बहुत ही मस्त उजाला काम कर रहा है। तो चलिए नाइट में थोड़ा टेस्टिंग कर लेते हैं। तो नाइट में आ चुका है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं उजाला तो बहुत मस्त कर रहा है। आप कैमरे की नज़र से नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि कैमरा उतना अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाता है। तो बहुत मस्त ही बन चुका है हमारा ये टॉर्च इमरजेंसी की लाइट की तरह। तो इस टॉर्च को आप घर में बनाकर ज़रूर यूज कीजिएगा, और ये टॉर्च कैसी लगी कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, और एक लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स।